मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी, है ना। नैनीताल के मनोरा पर्वत है, नैनीताल के बिल्कुल नजदीक मनोरा पर्वत में हनुमानगढ़ी है। मैंने आपको वहां से लाइव भी दिखाया था और आज वहीं के दर्शन आपको हम कराते हैं इस कथा में। महाराज जी जहां रहते थे उनका दरबार शुरू हो जाता था, बैठते थे, भक्त आना जाना शुरू हो जाता था। जब भक्त आते तो उन्हें भोजन प्रसाद की व्यवस्था मिलती और महाराज जी आलू और पूड़ी का प्रसाद दिया करते थे और बांध बांध के देते, कहते ठुल ठुल बांधो। ठुल ठुल का मतलब ज्यादा ज्यादा बांधो, घर में सब लोग ले रहे हैं ना। तो इस तरह से वहां तैयारियां चल रही थी, कहां हनुमानगढ़ी में, जिस समय महाराज जी वहां थे। तो उस समय रविंद्र कुमार जोशी, रघुदादा आपने फोटो देख रहे हैं ना, अब तो रविंद्र कुमार जोशी वहां सेवा में थे, युवा थे। वैसे देखने में तो आज भी युवा ही लगते हैं, विचारों से भी युवा हैं, कर्म से भी युवा हैं, है ना। दादा की समर्पण भावना को प्रणाम करते हुए मैं इस कथा को आज बता रहा हूं। तो रविंद्र कुमार जोशी रब्बू दादा वहां काम कर रहे थे और उन्हें जो भी काम होता था आश्रम में, ऐसा नहीं है कि साहब छोटा काम है नहीं दिया जाए, बड़ा काम है ये करेंगे वो नहीं, सर बहुत पूरी तरह से समर्पित होकर वहां काम कर रहे थे। तो पूड़ियां तली जा रही थी, पहाड़ी माइयां बेल रही थी, वहां के सेवक बेल रहे थे, है ना। और पूड़ियों के लिए जो कढ़ाई थी, तो उस समय जब पूड़ियां, जहां पूड़ियां बेली जाती हैं वहां से कढ़ाई तक लाए और फिर कढ़ाई में दे रहे थे। तो कढ़ाई में क्या होता है कि जो काम करते हैं पूरी सावधानी से करना पड़ता है और जरा सी चूक पर उसका दंड भौंकना मिलता है। रघु दादा उसमें कढ़ाई, तब दादा नहीं थे, तब बच्चे थे लेकिन हम तो रब्बू दादा कहते हैं। तो रब्बू दादा कढ़ाई में पूड़ियां पेश रहे थे, पेशना जानते हो ना, कि पूड़ी उठाई, कच्ची पूड़ी बिली हुई और कढ़ाई में दी, और कढ़ाई में जब फूल के तल के आ जाती है तब वो खाद्य योग्य होती है, खाने योग्य होती है। तो बातें करते जा रहे थे और कढ़ाई में अपनी पूड़ियां डालते जा रहे थे और उनका ये ध्यान ही नहीं रहा कि खोलता हुआ घी है। पूड़ियां जब एकदम घी खोल जाता है ना, तभी पूड़ियां उसमें डाली जाती हैं। और पूड़ियां जब डालते समय ध्यान रखना पड़ता है, तो वो ऐसे थोड़ा सा घी आ जाता है, थोड़ा सा पूड़ी, तब वो आराम से चली जाती है और आराम से तल जाती है। ऐसे छपाक से भी नहीं डाल सकते, तो एक स्टाइल है, पूड़ी पकड़ाई और हाथ में पकड़ के और यूं डाली। और जरा सी असावधानी हुई रब्बू दादा से और जो ने एक पूड़ी डाली, घी में हाथ चला गया, खोलता हुआ घी है। और देसी घी तो आप जानते हो ना, तपन कोई घी हो लेकिन देसी घी तो और ज्यादा आपने उसमें था, तो उसमें एकदम हाथ चला गया खोलते घी में और रब्बू दादा ने पूड़ी छोड़ी और भड़बड़ा के ऐसे निकाल के और अपना जो है तो रोने लगे। हसुआ जाने दर्द हो रहा, असहनी दर्द हुआ होगा और उसको हाथ में पकड़ के अब क्या करें। तो जहां महाराज जी बैठे हुए थे उन्हीं भक्तों की भीड़ में आके अपना ऐसा डुका लिया हाथ और आंखें बंद करके और आंखों से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। महाराज जी भक्तों की बातों में लगे हैं, उन्होंने देखा भी कि आ गया है रब्बू लेकिन वे बोले नहीं है। एक दो भक्त से और बातचीत करने के बाद फिर हाथ से इशारा करके बुलाया, इधर आ, अच्छा तेरा हाथ जल गया है, अभी देखा नहीं है, रब्बू दादा उधर से आ रहे हैं, तेरा हाथ जल गया है। पास में आए रब्बू दादा, हाथ देखते हैं, अच्छा, और ऐसे करके उसे कंबल में अंदर कर लिया और कंबल में अंदर किया, ऐसे ऊपर से कर दिया, कहां जलाया देख। अब रब्बू दादा का जो हाथ जब गया था तो ओले हुए घी में, एकदम खोलते हुए घी में था, एकदम उबल गया था हाथ। और जब बाहर निकल, देख कहां जलाया, रघु दादा खुद देख रहे हैं और रघु दादा हंसने लगते हैं, रोते को हंसाया ना महाराज जी ने,
ये जीता जागता उदाहरण है, तो हंसने लगते हैं और कहते हैं जा काम कर चल के, कहाँ जल गया चला आया इधर। और रब्बू दादा उन्हें पुनः प्रणाम करते हुए चले जाते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। देखा ना आपने, एकदम जला हुआ हाथ एकदम ठीक हो गया कम्बल में। कम्बल में क्या महाराज जी की ये कहानी है, महाराज जी की कृपा है, महाराज जी की सच्ची कहानियाँ, सच्ची कथाएं आप देख रहे हैं। और रब्बू दादा तो ये फिर बताते भी हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक सोई जाने देव जनाई में वर्णन भी किया है। तो चल पढ़ते हैं आज ये अंक रब्बू दादा को समर्पित करते हुए। राम। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे